16 श्रृंगार के सावन में भोले बाबा को ऐसे कर सकती हैं आप प्रसन्न। अक्सर घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं को घर की बहुओं और लड़कियों को व्रत त्योहार पर श्रृंगार करने की सलाह देते हुए सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है? बता दें कि 16 श्रृंगार घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। ऋग्वेद में भी 16 श्रृंगार का जिक्र किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि 16 श्रृंगार सिर्फ खूबसूरती ही नहीं भाग्य को भी बढ़ाता है। महिलाएं शिव के प्रिय महीने सावन में भोले शंकर को खुश करने के लिए भी ये श्रृंगार करती हैं। बिंदी, दोनों भौहों के बीच कुमकुम से लगाई जाने वाली बिंदी भगवान शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक मानी जाती हैं। सुहागिन स्त्रियां कुमकुम या सिंदूर से अपने ललाट पर लाल बिंदी लगाना जरूरी समझती हैं। इसे परिवार की समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इसके साथ ही ये स्थान एकाग्रता का केंद्र होता है। यहाँ पर बिंदी लगाने से मन एकाग्र और शांत रहता है। ज्यादातर सभी जगह सिंदूर को स्त्रियों का सुहाग चिन्ह माना जाता है। विवाह के समय पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरकर उसे जीवन भर उसका साथ निभाने का वचन देता है। ऐसा माना जाता है कि महिला की मांग में सिंदूर पति की लंबी उम्र की निशानी होता है। वहीं सिंदूर लगाने के वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो सिर में सिंदूर उस जगह पर लगाया जाता है जहां पर मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। ये मांग के स्थान यानी कपाल के अंत से लेकर सिर के मध्य तक होती है। सिंदूर में उपस्थित पारा धातु ब्रह्मरंध्र के लिए औषधि का काम करता है। ये गृहस्थ जीवन के कारण आए तनाव को दूर करने में मदद करता है और मस्तिष्क हमेशा चैतन्य अवस्था में रहता है। काजल, चेहरे की सबसे महत्वपूर्ण चीज और मन का आईना होती है आपकी आंखें, जिनका श्रृंगार होता है काजल। इसे महिलाएं अपनी आंखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाती हैं। काजल हर खूबसूरत महिला को बुरी नजर से भी बचाए रखता है। मेहंदी के बिना हर सुहागन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। शादी के समय दुल्हन और शादी में शामिल होने वाली हर महिला अपने पैरों और हाथों पर मेहंदी जरूर रचाती हैं। ऐसा माना जाता है कि नववधू के हाथों में मेहंदी जितनी गाढ़ी रचती है उसका पति उसे उतना ही अधिक प्रेम करता है। शादी का जोड़ा, हर महिला के लिए अपना शादी का जोड़ा बेहद खास होता है। शादी के समय पहना गया लाल जोड़ा वो हमेशा संभाल कर रखती हैं। महिलाओं के लिए उनका श्रृंगार इस जोड़े के बिना पूरा नहीं माना जाता। वही लाल रंग के जोड़े की सुहागन स्त्रियों के लिए काफी महत्वपूर्ण और शुभ भी माना जाता है। गजरा, दुल्हन के बालों में लगा सुगंधित फूलों का गजरा उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। दक्षिण भारत में तो सुहागन स्त्रियां रोजाना अपने बालों में हर श्रृंगार के फूलों का गजरा लगाती हैं। मांग टीका, माथे के बीचों बीच पहने जाने वाला यह आभूषण सिंदूर के साथ मिलकर हर लड़की की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। ऐसा माना जाता है कि नववधू को मांग टीका सिर के बीचों बीच इसलिए पहनाया जाए ताकि वो शादी के बाद हमेशा अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चले। नथ, सुहागिन स्त्रियों के लिए नाक में आभूषण पहनना अनिवार्य माना जाता है। नाक की नथ शादीशुदा महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक है। आपको बता दें कि लड़कियों की बाई ओर की नाक छेदी जाती है क्योंकि उस जगह की नसें नारी के महिला प्रजनन अंगों से जुड़ी हुई होती है। नाक के इस हिस्से पर छेद करने से महिला को प्रसव के समय भी कम दर्द का सामना करना पड़ता है। इयररिंग्स, कान में पहने जाने वाला यह आभूषण कई तरह के सुंदर डिजाइन में उपलब्ध होता है। शादी के बाद स्त्रियां कान में इयररिंग्स जरूर पहनती हैं। खासतौर से पति और ससुराल वालों की बुराई करने और उन्हें सुनने से दूर रहने के लिए ये परंपरा शुरू की गई थी। मंगल सूत्र, गले में पहना जाने वाला ये मंगल सूत्र पति के प्रति सुहागन स्त्री के वचनबद्धता का प्रतीक माना गया है। साथ ही आपको बता दें कि गले के आसपास कुछ ऐसे दबाव बिंदु होते हैं जिससे शरीर को बहुत लाभ मिलता है। बाजूबंद, प्राचीन काल में सुहागिन स्त्रियों को हमेशा बाजूबंद पहने रहना अनिवार्य माना गया था। ऐसी मान्यता है कि स्त्रियों के बाजूबंद पहनने से परिवार की धन रक्षा होती है। चूड़ियाँ, आयुर्वेद के अनुसार सोने और चांदी की भस्म शरीर के लिए बलवर्धक होती है, इसलिए सोने और चांदी की चूड़ियाँ पहनने से इन धातुओं के तत्व महिलाओं को बल प्रदान करते हैं जिससे महिलाएं लंबी उम्र तक स्वस्थ रहती हैं। साथ ही कांच की चूड़ियों की खनक से वातावरण में मौजूद नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
अंगूठी। शादी के पहले सगाई के रस्म में वर वधु द्वारा एक दूसरे को अंगूठी को सदियों से पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। साथ ही जिस उंगली में अंगूठी पहनाई जाती है उसमें मौजूद नस हमारे दिल से सीधी तरह से जुड़ी होती है, जिससे पति पत्नी का रिश्ता लंबे वक्त तक चले और दोनों के बीच भावुक संबंध बना रहे। कमरबंद। कमरबंद इस बात का प्रतीक है कि सुहागन अब अपने घर की स्वामिनी है। बिछुआ। भारतीय वेदों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दोनों पैरों में पहनने से महिलाओं का मासिक चक्र नियमित रहता है। साथ ही बिछिया एक्यूप्रेशर का भी काम करती है, जिससे तलवे से लेकर नाभि तक की सभी नाड़ियां और पेशियां व्यवस्थित होती हैं। पायल। पैरों में सोने की पायल पहनने की मनाही होती है, क्योंकि सोने की तासीर गर्म होती है जबकि चांदी की तासीर ठंडी होती है। आयुर्वेद के मुताबिक इंसान का सिर ठंडा और पैर गर्म होना चाहिए। वहीं जब पायल पैरों के संपर्क में आती है तो पायल के धातु के तत्व त्वचा से रगड़कर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हड्डियों को सोने चांदी जैसा मजबूती देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।